में प्रगति मीडिया से प्रियंका। भारत सरकार ने कुछ दिन पहले पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर कीमतों में थोड़ी राहत दी थी। केंद्र के बाद राज्य सरकारों ने भी टैक्स कटौती पर अपने अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर दी है। सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया और अब पेट्रोल डीजल के दामों में और भी कमी करने जा रही है। इलेक्शन आने वाले हैं, सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अब केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में और कमी आएगी। सरकार कच्चे तेल कीमतों में बड़ी गिरावट करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इमरजेंसी स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल बाजार में उतारने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम के से बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में और कमी आ जाएगी, जिसका असर पेट्रोल डीजल के दामों पर भी होगा। आपको बता दें कि भारत के पास 38 मिलियन इमरजेंसी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बैरल कच्चा तेल है। इसे इमरजेंसी के लिए सरकार स्टोर करके रखती है। ईस्ट और वेस्ट कोस्टल एरिया में इसे अंडरग्राउंड स्टोर करके रखा जाता है। अमेरिका और जापान के कदम को देखने के बाद अब भारत सरकार ने भी अपने स्ट्रेटेजिक रिसोर्स अगले 10 दिनों के बाद भीतर 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल निकाल के बाजार में उतारने का फैसला किया है। ये कच्चा तेल पेट्रोकेमिकल्स और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को बेचा जाएगा, जिसकी रिफाइनरी इन रिजल्ट से जुड़ी होगी। नमस्कार, मैं प्रियंका।